नमस्कार बच्चों, मैं रुचि सक्सेना, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता उत्साह पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, उत्साह एक आवाहन गीत है जो बादल को संबोधित है। बादल निराला जी का बहुत प्रिय विषय है। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी है। देखिए यहाँ पर, क्योंकि ये एक आवाहन गीत है। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन, धराधर ओ ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, ब्रज छिपा नूतन कविता। यहाँ पे बादलों का आवाहन करते हुए कवि कहता है कि हे बादलों, बादल गरजो, बहुत ज़्यादा गर्जना करो, घेर घेर घोर गगन धराधर ओ। धराधर यहाँ पे किसके लिए आया है? बादल के लिए आया है। हे बादलों, घोर माने भयंकर, भयंकर गर्जना करो, गगन घेर आकाश मंडल को चारों तरफ से घेर करके तुम घोर गर्जना करो, खूब जोर जोर से कड़को, गड़गड़ाओ, गर्जो। ललित ललित काले घुंघराले, ललित माने क्या होता है? सुंदर होता है। कहते हैं बाल, तुम्हारे बाल कैसे हैं? काले हैं, सुंदर हैं और घुंघराले हैं। बाल कल्पना कैसे पाले, और ये कल्पना के विस्तार के समान घने हैं। विद्युत छवि उर्मे कवि नव जीवन वाले, यहाँ पे कवि जो है वो बादलों को कवि की संज्ञा देता हुआ कहता है, अपने हृदय में बिजली के जो तुम चमक छिपाए हुए हो, उससे सारे संसार में एक नए जीवन का संचार कर दो। वज्र छिपा नूतन कविता, और वज्र को छिपा करके, अपनी भावनाओं में वज्र को छिपा करके सारे संसार में जोश का स्वर भर दो। फिर भर दो बादल गरजो, सबके अंदर नवीन संचार करो, जोश का संचार करो। हे बादलों, तुम खूब गरजो, गरजो यानी गड़गड़ाओ, कड़को, खूब ज़्यादा लोगों के अंदर एक नवीन चेतना का संचार करो। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाद के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत की घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। कहते हैं, कवि कहता है कि विकल, विकल कहते हैं बेचैन को, उन्मन कहते हैं अनमना। ये सारा संसार किससे परेशान है, बेचैन है, अनमना है? विश्व के निनाद से, निनाद माने तपती हुई गर्मी से। कहते हैं विकल विकल उन्मन थे उन्मन, ये सारा संसार जो है वो बेचैन है, अनमना सा है, विश्व के निनाद के सकल जन, सकल माने सारे लोग जो हैं विश्व में, जो तपती हुई गर्मी है इससे बहुत बेचैन हैं, अनमने हैं। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, पता नहीं कौन सी अज्ञात दिशा से आकाश पर ये काले घने बादल आ गए हैं। उन बादलों का आवाहन करते हुए कवि कहता है, तप्त धरा, इस जलती हुई तपती हुई धरती को तुम जल से फिर शीतल कर दो, बरस करके शीतलता प्रदान कर दो, अर्थात लोगों को गर्मी से मुक्ति प्रदान कर दो। हे बादलों, खूब गरजो। इस यहाँ पर एक सांकेतिक अर्थ ये भी है बच्चों, कि संसार में चारों ओर हिंसा और कष्ट है, लोग दुखी हैं, लोग परेशान हैं और अनमने से हैं। तब न जाने कहाँ से कौन छाया बनकर आता है और उस दुख से, इस दुख से पीड़ित लोगों को जो है मुक्ति दिलाता है, कल्याण और मंगल की वर्षा कर जाता है। कवि इसी प्रकार बादलों का आह्वान करते हुए उनसे प्रार्थना करता है कि हे बादलों, तुम खूब गरजो, बरसो, और जो संसार में जो दुख और पीड़ित लोग हैं उनको सुख प्रदान करो।